हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। ओनली यूपीएससी पर आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहती हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती हैं, वो भी एकदम मुफ्त। तो जो लोग एकदम नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और जो लोग हमको देखते रहते हैं वो भी, और जो नए हैं सब लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत आपके लिए की जाती है। और जो भी आपके सवाल संदेह हुआ करें उससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, ठीक है ना। लगातार हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम करवाते हैं और पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ किन किन लोगों को चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि सर हमें चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, बट जो कमेंट करेगा पीडीएफ मैं उसी को दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि लखनऊ समझौता क्या था, इसका क्या संबंध है भारत के विभाजन से, जिन्ना का इसमें क्या रोल था, इसके अलावा भारतीय कांग्रेस ने इस समझौते को कैसे स्वीकार कर लिया, उनकी क्या रणनीति थी, क्या स्ट्रेटजी थी, और कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जिनके कारण भारत का विभाजन हुआ, वो सारी चीज़ आप इस क्लास में समझ पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इसमें है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और इसमें आपको वो सांप्रदायिक राजनीति समझ में आएगी जिसने भारत का विभाजन करवाया, जो खेल आपके अंग्रेजी हुकूमत के लोग खेल रहे थे वो कैसे सफल हुए, इन सारी बातों को हम समझेंगे, ठीक है ना। तो एक जो है सुधार आया 1909 में, मार्लो मिंटो सुधार, जिसकी हम चर्चा करेंगे इसके अगली क्लास में। लखनऊ पैक्ट पहले ये पीडीएफ तैयार हो गया इसलिए मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। हालाँकि मार्लो मिंटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ कि मार्लो मिंटो में एक सुधार ये किया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग से एक क्षेत्र का जो है आवंटन किया गया, कि उनको एक ऐसा क्षेत्र दिया जाए जहां से मुस्लिम जो नेता है उनको जो है मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे और वही उनको जिता करके आगे जो है भेजेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक विभाजनकारी रणनीति थी अंग्रेज़ों की। अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत में हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के उनके खिलाफ खड़े हो गए तो वो बाहर उनको भागना पड़ेगा। और 1905 का जो बंगाल जो है विभाजन उन्होंने किया, और उसके बाद में जिस तरीके से अक्रॉस द रिलीजन लोग बाहर निकले, उन्होंने विरोध किया अंग्रेज़ों का, उससे बहुत हताहत थे, डर गए थे, और इसीलिए 1911 में उन्होंने बंगाल के विभाजन को वापस लिया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया, और उन्हें लगा कि जो मेनली जो कलकत्ता या पश्चिम बंगाल के लोग थे उस वक्त आज़ादी को लेकर के ज़्यादा जागरूक थे, और वहाँ पर हिंदू मुसलमान वो सब एक साथ होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़े हो गए थे। तो अंग्रेज़ों की जो बांटो राज करो की नीति थी उसी के तहत वो लोग हमेशा प्रयास करते रहते थे कि किस प्रकार इनको अलग किया जाए और यहाँ पर लंबे समय तक हम अपना शासन चला सकें, और ये प्रयास वो लगातार कर रहे थे। इसमें उनको सफलता सबसे पहले कब मिली, जब 1906 में उन्होंने लीग की स्थापना करवाई, मुस्लिम लीग की स्थापना करी, जिसमें आगा खां थे और ये सारे लोग थे, उसको जी उसकी स्थापना के बाद में ही उन्होंने एक बीज बो दिया जो भारत के अखंड स्वरूप को बांटने वाला साबित हुआ। 1947 में आप देखेंगे कि भारत का विभाजन होता है और अलग पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान और जो वर्तमान में आपका बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और जो वर्तमान पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के भारत के भूभाग से इतना बड़ा क्षेत्र पूरा बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान निकल गया, और कहीं ना कहीं एक जो षड्यंत्र था अंग्रेज़ों का कि यहाँ से अगर हम चले भी जाएँ तो इस रीजन को हम बांट देंगे। और जो एक भारत, सोचिए भारत कितना प्रभावशाली होता है यदि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत ये सब मिल करके एक साथ होते, तो चाइना क्या अमेरिका को भी हम आँख दिखा सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की उस चाल ने भारत को विभाजित कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम ये लखनऊ समझौता उसमें क्या है, उसका क्या रोल है। तो दिसंबर 1916 में एक सम्मेलन होता है कांग्रेस का, और वो लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने, आप नोट डाउन कर लेंगे, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। और इस अधिवेशन में सबसे खास बात, जो सबसे मजबूत डेवलपमेंट होकर के निकला था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, लखनऊ समझौता कहा जाता है, ठीक है ना। इसे 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को लीग द्वारा पारित कर दिया गया। अब ये जो
पूरा खेल था, इसके पीछे का जो पूरा खेल था उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त 1916 में लीग के अध्यक्ष थे और वो शुरुआत में, जैसा कि सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में कहा था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं वो हिंदू और मुस्लिम की एकता के प्रतीक हैं। हालांकि बाद में 1937 और 1940 के आसपास अब जब आप जिन्ना को पढ़ते हैं तो एक अलग जिन्ना आपको दिखाई देते हैं, लेकिन शुरुआत में जिन्ना थे वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके इंग्लैंड से आए थे और हिंदू मुसलमान एकता की बात करते थे और उन्हीं के प्रयासों से समझौता हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों के प्रयास से ही ये समझौता हो पाया था, ठीक है ना। तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि किस डेट को, तो 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे पारित किया लखनऊ समझौते को, और दूसरा है 31 दिसंबर 1916 को लीग द्वारा इसे पारित किया गया, ठीक है ना। लखनऊ की बैठक में कांग्रेस के उदारवादी और अन उदारवादी गुटों का फिर से मेल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल इस बार DET की परीक्षा में पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा भी था कि इसका आंसर क्या होगा। तो लखनऊ पैक्ट जो है ना वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता है, लेकिन जो लखनऊ अधिवेशन है कांग्रेस का उसमें नरम दल थे और गरम दल के लोग थे वो एक साथ फिर आकर के मिल जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1907 में सूरत में नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन हो गया था। जो गरम दल के लोग थे उनको लगता था कि जो ये नरम दल के लोग हैं जो पिटीशन देते हैं, जो अनुग्रह करते हैं कांग्रेस के लोग अंग्रेजों से, उनकी राह से वो अलग मुख्तलिफ राह बनाने की कोशिश उन्होंने किया और उन्होंने ऐसा माना कि ये राह ठीक नहीं है, हमें अंग्रेज़ों से डट कर मुकाबला करना चाहिए, ये लोग लाठी से मानेंगे, ये केवल बात से नहीं मानने वाले हैं। तो उनकी राहें जुदा हो गई थी 1907 में, लेकिन वो फिर से आकर के 1916 में मिलते हैं, ठीक है ना। तो हिंदू और यहाँ पर जो एक और डेवलपमेंट हुआ कि इस समझौते से हिंदू और मुस्लिम को एक जो है एक संबंध बनाने का प्रयास किया गया, शायद कांग्रेस ने भी इसीलिए ये जो है इसको स्वीकार कर लिया, अलग इलेक्ट्रोल की जो मांग हो रही थी मुस्लिमों के लिए उसको स्वीकार कर लिया कि इससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक जो है संबंध, एक रोमांस स्थापित होगा, एक क्रॉस द रिलीजन यानी कि धर्म से ऊपर उठ करके लोग एक दूसरे के संबंध बनाएंगे और इससे क्या होगा, जो उनका राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं सफल होगा। लेकिन कांग्रेस को ये पता नहीं था कि यही बीच जो है आगे चल करके भारत के विभाजन की सबसे बड़ी कड़ी बनेगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे, इसको आप याद रखेंगे। इसमें जो प्रमुख भूमिका उसमें क्या थी कि मोहम्मद अली जिन्ना 1910 में जो है मुंबई में मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के सदस्य चुने गए। 1913 में वह मुस्लिम लीग में शामिल हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए, तो 1913 में शामिल हुए और 1916 में उसके अध्यक्ष हो गए। इसी हैसियत से उन्होंने संवैधानिक सुधारों की संयुक्त कांग्रेस लीग योजना पेश की। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस लीग समझौते से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा जिन प्रांतों में अल्पसंख्यक थे वे मुस्लिम, वहां पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। इसी समझौते को लखनऊ समझौता कहा जाता है और यहीं से भारत के विभाजन की एक नींव पड़ गई। बात ये हो रही थी, प्रयास ये हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाया जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो हुआ, जो इसका असर हुआ, ये इसके बिल्कुल विपरीत हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ कि एक बाउंड्री लाइन जो बनाने का प्रयास कर रहा था पूरा अंग्रेजी हुकूमत, वो उसमें सफल हो गए, अलग अलग ट्रोल हो गया, यानी कि मुस्लिम ही अपने मुस्लिम नेता को चुनेगा तो इसमें संबंध कहाँ बनेगा। ये तो पूरी जो है गलती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी वजह से भारत का विभाजन बाद में होता है, उसकी भूमिका यहाँ पर पड़ जाती है, ठीक है ना। पहले के हिसाब से ये प्रस्ताव जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विधान को ही आगे बढ़ाने वाला था, जैसा कि विचार रखते थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये उसी को आगे बढ़ाने वाला था। इसमें जो है सबसे बड़ा खेल तो वास्तव में इसमें अंग्रेज़ों का था, जिनका पूरा प्रयास था कि क्यों ना इन दोनों को तोड़ा जाए और तोड़ने के बाद ही जो है हम राज कर सकते हैं, और ये उनकी जो पुरानी नीति थी जिसको शुरुआत से फॉलो कर रहे थे जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो लखनऊ समझौता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो या इसमें जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि भारत के विभाजन में लखनऊ समझौते की भूमिका क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी और यहाँ पर जो फैक्चुअल चीज़ें वो आप याद रखेंगे कि ये समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ, लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ, इसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे।
है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसी में नरम दल और गर्म दल एक साथ आए थे, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और है, 1916 में जो मुस्लिम लीग के अध्यक्षता है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ये बात आप याद रखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के आपका था लखनऊ समझौता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी और आपके परीक्षा में ये आपको सहयोग करेगा। मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं टॉपिक वाइज पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है कि जहाँ से सीधे सीधे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं क्यों ना उसी को उठा करके डिस्कस किया जाए और आपके परीक्षा में आपको सहायता दी जाए, ठीक है ना। तो ये था लखनऊ पैक। अगली क्लास में हम कुछ और बातें करेंगे चंपारण सत्याग्रह की, मॉडल मंटो सुधार की क्लास आपको और मिलेगी, तो इसी क्रम में आगे वो आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। जो क्वेश्चन आपके हैं, जो सुझाव हैं, जो आप फील करते हैं मुस्लिम लीग ने क्या सही किया, क्या कांग्रेस ने सही किया, जो समझौता है 1916 का लखनऊ पैक, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।